नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के चैप्टर 6 डिपार्चर फ्रॉम मिथिला, मिथिला से प्रस्थान के प्रथम खंड सुनेंगे। मित्रों, इस खंड को सुनने से पहले हम आइए युगों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी में, जो आकाश गंगा है उसमें है। तो कुछ 11,500 साल बीसी, 11,500 बीसी के आसपास जो हमारा सौरमंडल है वो गैलेक्टिक सेंटर के बिल्कुल पास था। गैलेक्सी का भी एक सेंटर होता है, उसको गैलेक्टिक सेंटर क्या कहा जाता है। तो हमारे सौरमंडल को जितनी भी शक्ति मिलती है वो उस गैलेक्टिक सेंटर से मिलती है। तो ये जो 11,500 बीसी के आसपास हमारा जो सौरमंडल है वो बिल्कुल गैलेक्टिक सेंटर के पास था। मित्रों, हम अगर ये जो टाइम साइकिल को एक क्लॉक का फेस समझ लेते हैं तो 12 बजता है, जो जो अपना जो आवर हैंड है जो 12 बजने के समय जो स्थान पर रहता है, 12 में जैसे रहता है, अगर वहां पर हम अपना सौरमंडल रखते हैं तो ऊपर वो बिल्कुल गैलेक्टिक सेंटर है और ये बिल्कुल नजदीक है। तो उस समय क्या होता था कि जो गैलेक्टिक सेंटर की जो शक्ति थी वो सौरमंडल को डायरेक्टली मिलता था। तो क्या होता था कि आध्यात्मिकता प्रबल मात्रा में थी तब, और उसको एनलाइटेंड एज भी कहा जाता था, क्योंकि सबको अपना जो आध्यात्मिकता है वो सब पहचानते थे। वो चाहे जड़ वस्तु भी हो, उनके अंदर जो आध्यात्मिकता था, पहले हम सुनते थे ना कि नदियां बोलते थे, पहाड़ बोलता था, पेड़ पौधे बोलते थे, वो कैसे होता था, वो इसके कारण ही होता था। उनके सब में जो आध्यात्मिकता वो जागृत अवस्था में होता था, तो सबको अपने शक्ति का एहसास होता था। तो ये 11,500 बीसी से 6,700 बीसी तक ये सत्य युग था। इसीलिए इसको सत्य युग कहा जाता था, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता ही थी। और 6,700 बीसी से 3,100 बीसी तक त्रेता युग आया। तो क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ पर हमारा जो सौरमंडल है वो घूम रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। वो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है वो गैलेक्टिक सेंटर से दूर होता जा रहा है। तो दूर होने का अर्थ क्या है, वो आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। तो इसके अभाव में, जो आध्यात्मिकता के अभाव में क्या होता है कि हम अपने अंदर जो ज्ञान, जो आध्यात्मिकता है उसको पहचान नहीं पाते। सबके अंदर वो दिव्य तो है पर वो पहचान नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे काल चक्र में जैसे ही समय बीतते जा रहे थे, आध्यात्मिकता कम होते जा रहे थे। और इसके बाद 3100 बीसी के बाद 700 बीसी तक द्वापर युग आया, और 700 बीसी से 1700 एडी तक ये कलयुग आया। इस कलयुग को डार्क एज कहते हैं, अंधकार युग। दैट मींस ये सपोज आप घड़ी के 6 बजे हैं तो जहां पर सुई रहेगी वो है डार्क युग, बिल्कुल अपोजिट। सत्य युग के बिल्कुल अपोजिट कलयुग है। तो इसमें आध्यात्मिकता टोटली आप कह सकते हैं कि पूरा नहीं है। लोग पहचान नहीं रहे हैं आध्यात्मिकता को, क्योंकि अपना जो सौरमंडल है वो गैलेक्टिक सेंटर से बहुत दूर अभी आ चुका है। तो और इसी ये जो साइकिल है, ये जो सत्य युग से लेकर के त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये था डिक्लाइनिंग साइकिल और डिसेंडिंग अर्थ जो कहते हैं। दैट मींस आध्यात्मिकता का कम होते जाना, डिसेंडिंग साइकिल। तो आशा करती हूं कि ये जो युग के बारे में जो जानकारी है ये इस कहानी को समझने में मदद करेगा। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं। विवाह के पश्चात जनक बाबा ने अपनी प्रतिज्ञानुसार प्रभु श्री राम को खेत में लेकर गए और साथ में माता सीता भी गईं।
बाबा ने हल चलाना सिखाए और माता सीता मिट्टी की जीवनदायिनी गुण और धरती माता की उदारता दानशीलता के बारे में शिक्षा दी। बाबा जनक ने श्री राम को गठित किए गए स्थानीय परिषदों या पंचायतों के बारे में बताए और श्री राम इसे देखने चाहे तो बाबा और सीता उन्हें पास के गांव में लेकर गए। इस प्रकार के स्वयं शासन प्रणाली को या प्रक्रिया को बाबा से श्री राम ने जाना और श्री राम ने कहा कि वर्षों से अयोध्या में रहते हुए मैंने शासन प्रणाली को जितना नहीं सीखा था, कुछ सप्ताह में ही मिथिला में रहकर सीख गया। मैंने युद्ध विद्या, वेद विद्या की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र से लिए हैं, पर शासन की सूक्ष्मता को जनक बाबा से सीखा है। बाबा जनक अपने कुछ लक्ष्य और भविष्य के बारे में कुछ पूर्व सूचनाएं प्रभु श्री राम को देना चाहते थे। उन्हें ये पता चल गया था कि सीता के जाने के बाद मिथिला की शक्ति क्षीण हो जाएगी और कौशल की बढ़ेगी। महाराजा दशरथ के शासनकाल में पवित्र रघुवंश का विस्तार दूर दूर तक हो गया था और राजधानी अयोध्या राज्य संबंधित केंद्र था जिसका प्रभाव चारों दिशा में था। विदेह राज्य किसी भी तुलना में कौशल राज्य से आगे नहीं था सिवाय एक की, विदेह राज्य ज्ञान का केंद्र था। इन दोनों राज्यों का एक साथ होने का अर्थ था शक्ति और ज्ञान का एकत्रित होना, जिससे समस्त आर्यभूमि का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित था और इस उन्नत संस्कृति और सभ्यता को दूर दूर तक विस्तार करके मानव जाति समस्त सृष्टि की सहायता कर पाता। जनक बाबा जानते थे कि उस समय पृथ्वी समय के पतन चक्र में स्थित था, जो हम जाने कि डिक्लाइनिंग साइकिल, उसमें उस स्थिति में था जहां आध्यात्मिकता कम होकर भौतिकता का विकास हो रहा था, स्पिरिचुअल नॉलेज कम होकर मटेरियल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था। और यही कारण है कि बाबा जनक उनके शेष समय इन्हीं आध्यात्मिक ज्ञान को आने वाले अंधकार युग डार्क एज के लिए संरक्षित करके रखना चाहते थे। और श्री राम और माता सीता का विवाह जैसे बाबा की इच्छा थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये विवाह मानव जाति के लिए बहुत लाभदायी होगा। बाबा जनक के ऊपर जो दायित्व था उसे निभाने के लिए जैसी आवश्यकता थी, ठीक उसी तरह से उन्होंने सीता को प्रशिक्षण दिया था। बाबा ने सीता को आर्य भूमि के महान ऋषि साधुओं के सांगत्य में रखा था और माता ने सबके पांडित्य को मन में धारण कर लिया था। और बाबा जानते थे कि श्री राम सीता माता के इस ज्ञान का सम्मान करेंगे और साथ में वो छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति सीता के प्रेम को भी सम्मान देंगे। बाबा के सबसे अंतिम दायित्व भी समाप्त हो गया था और बाबा ने इस समापन के समय को न अधिक खुशी से और न दुखी होकर स्वागत किया। एक संध्या को सोमा रसोई में आकर बाबा जनक और श्री राम के बीच की हुई आलोचना का एक अंश जो उसने खाना परोसने के समय सुन लिया था दूसरे सेवक सेविकाओं को सुनाना चाहती थी, पर उसका मन बहुत दुखी था। वो आलोचना ही कुछ इस तरह का था। भोजन के मध्य में बाबा ने अचानक भोजन करना बंद करके श्री राम को बोले, राम राजा प्रजाओं का सेवक होता है, उनसे दूर रहकर राजा का विकास नहीं हो सकता। मैं विदेह के प्रत्येक परिवार को जानता हूँ, मैं उनके दुख को जानता हूँ और उसे कम करने की चेष्टा करता हूँ। एक विस्तृत राज्य में भी ऐसा करना संभव है। राज्य चाहे कितना बड़ा हो, उसकी आबादी को जानने के लिए एक विस्तृत मन की आवश्यकता है। क्या महादेव हम सबकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते? इसीलिए राजा को भी उसके शरण में रह रहे प्रजाओं का आदर करना चाहिए। ये हमारा दायित्व भी है और इसी कारण मैं सदा हर गांव में जाता हूँ। सीता भी मेरे साथ जाती है, क्योंकि सीता को सबके हृदय को पढ़ना मुझसे भी अधिक आता है। वो प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं को जानती है।
स्वशासन राम, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही भविष्य है। क्योंकि अब शासकों का मन निजी स्वार्थ में अधिक केंद्रीभूत है, न कि प्रजाओं के हित में। आर्यभूमि के अनेक भाग की वास्तविकता यही है। इसके समाधान का एक ही उपाय है, वो है स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस। श्री राम आश्चर्य से पूछते हैं, क्या लोग अपने गांव का शासन कर सकते हैं जबकि वो अपने स्वयं के मन का ही शासन नहीं कर सकते? जनक बाबा ने हंसकर उत्तर दिया, ये ऋषियों का काम है, कैसे मन को नियंत्रण करके उनके समुदाय को नियंत्रण करना है, ये उन्हें ऋषियां सिखाएंगे। पर हमें इसका बीज तो बोना है, फल चाहे देर में मिले। इसमें प्रतिरोध तो है, प्रजा इन ग्राम परिषदों के लिए आग्रही नहीं है, क्योंकि वे शासन करने से अधिक शासित होना पसंद करते हैं। वे अनुसरण करना चाहते हैं, न कि नेतृत्व लेना। पर ये उनके मानसिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। मेरा कार्य अभी समाप्त होने को आ रहा है और तुम्हारा आरंभ। जब सीता यहां से चली जाएगी, मैं अधिकतर समय आंतरिक सतह में रहूंगा। तुम्हें धार्मिक समझ के वृक्ष को लोगों के मन में रोपण करना होगा, जैसे कि वे स्वयं उस अंधकार का विरोध कर सकते हैं जो हमेशा प्रकाश को तोड़ना चाहता है। वो समय आ रहा है जहां लोग अपने मार्गदर्शन के लिए शासक के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, प्रत्येक अपना दायित्व लेंगे। वही भविष्य है राम, स्वशासन। और इसका नींव आने वाले सदियों के लिए तुम रखोगे। मिथिला में मैंने इसका बीज डाल दिया है, पर मिथिला बहुत छोटी है और अयोध्या बहुत विस्तार करेगा। ये सब करने में तुम्हारी और सीता की भूमिका रहेगी। अब मैं समझ रहा हूं कि सीता का जन्म मिथिला में इसीलिए हुआ है कि हमने मनुष्य के मन को जो जागृत करने का ज्ञान उसे दिया है, वो उस ज्ञान को अयोध्या लेकर जाएगी। इस आलोचना के बारे में इतना कहने के बाद सोमा रुक गई और बोली, हमारे ज्ञानी सर्वज्ञ बाबा की बातें सुनकर मैं बर्फ के जैसे जम गई थी। श्री राम और सीता माता भी बहुत गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। तो आज के अध्याय में इतना ही मित्रों, नमस्कार।